हेलो दोस्तों, क्या आप अपने फेसबुक का पासवर्ड भूल गए हैं? क्या आप अपने नाम को चेंज करना चाहते हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने फेसबुक का पासवर्ड और नाम बहुत आसान तरीके से कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आप अपने फेसबुक का नाम और पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा और तब भी आप अपने फेसबुक का नाम और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, ऑल करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखते रहें हमेशा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फेसबुक का पासवर्ड चेंज करने के लिए फेसबुक एप्लीकेशन बेहतर होता है, इसलिए आपको फेसबुक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना चाहिए। फेसबुक लाइट से बहुत मुश्किल होता है, चलिए मैंने फेसबुक एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तो इसे ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद हम पहले आपको फेसबुक का पासवर्ड चेंज करके बताएंगे, उसके बाद से हम फेसबुक का नाम चेंज करके बताएंगे। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए हम थ्री लाइन पर टच करेंगे, उसके बाद से नीचे जाइएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन, इस पर हम टच करेंगे। इस पर टच करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेटिंग का ऑप्शन, इस पर हम टच करेंगे। जैसे ही आप सेटिंग का टच कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर नीचे जाइएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिए लिखा है सिक्योरिटी एंड लॉगिन, इस पर हम टच करेंगे। इस पर टच करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा चेंज पासवर्ड, इस पर हम टच करेंगे। और देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है करेक्ट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, रीटाइप न्यू पासवर्ड। तो हमें पासवर्ड भूल गए हैं तो इसलिए हम फॉरगेट पासवर्ड टच करेंगे। और जैसे हम फॉरगेट पासवर्ड पर टच करेंगे कि आपके फेसबुक अकाउंट से जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक है वो आपको शो करने लगेगा। तो आप जिस पर भी OTP मंगाना चाहते हैं उस पर टच करके नेक्स्ट करेंगे। तो अपने मोबाइल नंबर पर OTP मंगाना चाहते हैं, चलिए मोबाइल नंबर पर टच करके और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद से आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, उसके यहाँ पर टच करके और नेक्स्ट कीजिएगा। चलिए यहाँ अपना OTP आ चुका है हमारा, तो हम इसे दाब कर नेक्स्ट कर ले रहे हैं। 7198 62 अपना OTP दर्ज करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी पासपोर्ट चेंज करना है वो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है इंटर ए न्यू पासपोर्ट, चलिए मैं पासपोर्ट इंटर कर ले रहे हैं। और पासपोर्ट इंटर करने के बाद से आप इस खंड वाले आइकन पे टिक मार के नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट कीजिएगा कि देखिए यहाँ पर लिखा है आपका पासपोर्ट चेंज हो चुका है, चलिए हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू हो चुका है, देखिए आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, देखिए हमारा BK निराला का नाम से है, इसे ओके कर देंगे। देखिए हमारा पासपोर्ट चेंज हो चुका है, देखिए हमारा यहाँ पर फेसबुक का पासपोर्ट चेंज हो चुका है। अब आपको अपना नाम चेंज करके दिखाएंगे। तो नाम चेंज करने के लिए आप एक बार बैक करके फिर से अपने एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा, तो फिर से आपको ऑप्शन शो करने लगेगा। और उसके बाद से थ्री लाइन पर टच करेंगे, थ्री लाइन पर टच करने के बाद फिर से हम सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन ले लेंगे। सेटिंग का ऑप्शन लेने के बाद यहाँ से देखिए आपको लिखा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर हम टच करेंगे। इस पर टच करने के बाद देखिए आपका नाम लिखा है, तो आप नाम पर टच करेंगे। और हमारे नाम पर टच करने के बाद देखिए आपका नाम चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा है यदि आप अपने नाम को चेंज करते हैं तो 30-60 दिन के अंदर इसे फिर दोबारा नहीं चेंज कर सकते हैं, इसलिए आपको नाम को जो भी चेंज करना है अच्छा से देख कर चेंज कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा भी गलत हो जाएगा तो आप 60 दिन के अंदर इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर पुराने नाम को यहाँ से हटा दे रहे हैं, जो भी इसे रिमूव कर दे रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक न्यू नाम एंटर कर देंगे, चलिए हम अपना नाम एंटर कर दे रहे हैं, हम कोई सा भी एक नाम एंटर कर दे रहे हैं। जैसे चलिए हम यहाँ पर राज डाल दे रहे हैं, उसके बाद से लास्ट नाम, मिडिल नाम में आप नहीं भी डाल सकते हैं लेकिन लास्ट नाम में यहाँ पर आप कुमार, हम चलिए हम डाल दे रहे हैं। और जैसे ही आपका नाम अच्छा से मैच कर लीजिएगा, आपका नाम अगर सही होगा तो उसके बाद से आप यहाँ से रिव्यू चेंज पर क्लिक कीजिएगा। रिव्यू चेंज पर क्लिक करने के बाद से यहाँ से आपका पूछेगा कि आप राजकुमार के नाम से करना चाहते हैं या कुमार राज से, तो आपको जो अच्छा लगे उस पर क्लिक करके आप अपने फेसबुक का पासवर्ड इंटर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर फिर बोल रहा है कि आप चेंज कर दीजिएगा तो 60 दिन के अंदर आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपसे फिर से इसे देख अच्छा से चेंज कीजिएगा। चलिए हमने पासवर्ड चेंज किया है, हमें पासवर्ड याद है तो इसे हम इंटर कर लेते हैं। अपना पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पर सेव चेंज पर क्लिक कीजिएगा
और देखिए हमारा यहाँ पर नाम चेंज हो चुका है। देखिए आप हाँ नाम यहाँ पर राजकुमार नाम शो कर रहा है। चलिए हम आपको बैक करके भी दिखा दे रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर बैक करके रिफ्रेश करेंगे एक बार, होम पर आएंगे और उसके बाद से अपने फेसबुक आप देखिए यहाँ पर हमारा राजकुमार के नाम से शो कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने नाम को और फेसबुक पासवर्ड को आसानी से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।